बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों शारदेय नवरात्र के मौके पर मां की आराधना में लीन है। उन्होंने 9 दिनों तक मौन व्रत ले रखा है और इस साधना के दौरान वे दिन भर में सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही साधना कक्ष से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा वे दिन भर माला का जाप कर रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पर माँ की एक प्रतिमा भी रखी गई है जहाँ दिन रात उनकी सेवा की जा रही है। इसी दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपने गांव में स्थित प्राचीन माँ दुर्गा के मंदिर में पहुँचे और माँ चंडी को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम पर शारदीय नवरात्र के मौके पर 9 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान के 7वें दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर गांव के प्राचीन मां दुर्गा माता के मंदिर पहुंचे और उन्होंने यहां माता रानी की विधि विधान से पूजा की, मां को जल और पुष्प माला अर्पित की। आरती करने के बाद गांव के हनुमान मंदिर में पहुंचकर भी उन्होंने दर्शन किए।